लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साहब जी, धंधा जब मंदा होने लगे है तो बंदा ठंडा होने लगे है, मगर मैं तो देख रहा हूँ आप मुझसे भी ज्यादा आइसक्रीम हो रहे हो। कुल्फी क्यों जमी हुई है? दफ्तर लोगों से भरा पड़ा है और यहाँ पर हर टेलीफोन कटा पड़ा है। क्या बात है मालिक? मैं बहुत परेशान हूँ सुखी राम। सुखी राम हर दर्द की दवा है मालिक, वजह बताइए क्या हैगी? इज्जत, शोहरत, दौलत, किस्मत, तो फिर क्या हैगा? वचन। वचन? सुखी राम के होते हुए किसको वचन दिया? कैसे दिया? क्यों कर दिया? बीमार मां को दिया। बीमार मां को दिया? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन सुखी राम डर लग रहा है। डर तो लगेगा, वचन दे दिया ना। लेकिन सुखी राम के होते हुए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्या वचन दिया है आपने? माँ से कहा कि घर से निकलती जो भी लड़की सामने आएगी उससे शादी कर लूंगा। तो कर डालो, जो भी सामने आएगी। डर लग रहा है कि अब पता नहीं कौन सामने आएगी। ये तो बहुत बड़ा डर है, न जाने कौन आ जाए, भूत पिशाच चुड़ैल। सुआ सुआ सुन दिखाई दे। अरे क्या हुआ? हुजूर मालिक, आपने माजी को वचन दिया था ना कि जो सामने सुबह सुबह दिखाई देगी वही आपकी दुल्हन होगी ना। सो तो है। तो देखिए। अरे ये तो कचरा उठा रही है। हाँ तो ये कचरा पट्टी है, इस कचरे को साफ करने के लिए करोड़ों की आपकी दौलत साफ हो जाएगी मालिक। मैं तो कहता हूँ वापिस मारुति में पलट लो, छोड़ दो इस कचरा पट्टी को। ना मैंने कुछ सुना ना आपने कुछ देखा, कुछ नहीं। रुकिए 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 साहब जी, एक नहीं चार चार। साहब जी, झिंचक चक झिंचक चक, हाय हाय, चलो श्री देवी रेखा जी तुम्हारे अंगने में। अरे चल भाग यहां से, चल साहब जी निकल लो, जल्दी निकल लो। हाय साहब जी, पैंट शर्ट वाली भी है, मॉडर्न भी है, स्टाइलिश भी है, अपने स्टैंडर्ड पर पूरी उतरेगी। एक्सक्यूज मी मैडम। कौन मैडम? ये तो दुर्गा जी। आई सर, सॉरी, दाढ़ी धोई जी आई। मिल गई, मिल गई, किस्मत की कली खिल गई। अगवाड़े से भी अच्छी, पिछवाड़े से भी अच्छी, खूबसूरत जवान, मेहनती कमान, अरे कमर पतली, भारी गगरिया कैसे ले जाऊं, जलबिन मछली, नृत्यबिन बिजली। ये बिजली मेरे ऊपर कहां से गिर गई? बदतमीज। अरे तमीज को देखूंगा तो साहब बगैर कमीज के रह जाएंगे कमारे, चड्डी में घूमते फिरेंगे। साहब जी वो बंदी पट्टी देखो, देखो देखो, अब पट्टी की जरूरत नहीं, पट्टी खोलो, ओपन दी गेट, डोंट वेट, एंड नाउ लुक एट द जंगल क्वीन। अरे भाई मेरी बेटी अनपढ़ है, उम्र भी ज्यादा है, तकरीबन 30 की होगी, और दहेज में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। इसीलिए तो मैं आया हूँ। तब तो लगता है कि तुम पूरे ही। देखिए मेरे होने वाले ससुर जी, हाँ मैं करोड़पति इंसान हूँ और आपकी गरीब और कुंवारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। हाँ, आपकी बेटी अनपढ़ है और मुझे पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। हाँ, आपकी बेटी की उम्र ज्यादा है और मुझे कम उम्र वाली नहीं चाहिए। हाँ, और इस शादी में सबसे अजीब बात यह होगी कि दहेज लड़की वाले नहीं लड़के वाले देंगे। हेलो हम बोलिए रामदल जी। देखिए रामदल जी, वो जमीन का टुकड़ा हमने टैक्स पेड वाइट मनी देकर गवर्नमेंट से खरीदा है, अगर उस जगह पर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो तो उसे फौरन तोड़वा दीजिए, चाहे वो मंदिर हो या खंडर, समझे? अच्छा सुनिए, मैं आपसे कह रही थी आज एक मिनट ये टेलीफोन।
हेलो, देखिए रामदयाल जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अगर आपको दंगे फसाद होने का डर है तो आप पुलिस को बुलवा लीजिए। अगर पुलिस से काम न चलता हो तो होम मिनिस्टर से फोन करके बीएसएफ को बुलवा लीजिए। मुझे वो जगह किसी भी हालत में खाली चाहिए, चाहे उसमें इंसान बसते हो या शैतान। सुनिए पूजा, पूजा बड़े अजीब हैं यहाँ के लोग, पूजा पाठ ज्यादा करते हैं और कामकाज कम करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी गुजर कैसे होती है। गाड़ी में रख दीजिए बैग। जी साहब। सुनिए, मैं कितने दिनों से आपसे बात करना चाह रही हूँ। क्या बात करना चाह रही हूँ? आज हम लोग हेलो क्या मिस्टर बदलानी गुवाहाटी से आ गए? मैं अभी ऑफिस पहुंचता हूँ। नहीं नहीं, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ, आप उनको बिठा कर रखिए, मैं अभी आया, चलता हूँ मैं जल्दी। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, सुनिए। क्या है बहू? घर से बाहर जाते हुए टोका नहीं करते। खैर अब बताओ क्या बात है, मैं जल्दी में हूँ। अब मुझे कुछ नहीं कहना। देखा, मिला मुझे, मेरा वक्त जाया किया, मैं चलता हूँ। टीना, ऐसे आते जाते ही बात नहीं की जाती, मौका देखकर ही बात की जाती है बेटा। जी माँ जी। धन धंधा और धनवान कई युगों से इंसानियत पर हुकूमत करते आए हैं। सिर्फ इंसानियत पर ही क्यों, हुकूमत पर हुकूमत करते आए हैं। दौलत के सामने या तो सब कुछ बिक जाता है या टूट जाता है। मैंने सिद्धांतों और उसूलों को टूटते हुए देखा है, धर्म कर्म रिश्तों को बिकते हुए देखा है। दरअसल आजकल की दुनिया के भगवान का नाम ही धन है। धनवान राज करता है, धंधा उस राज की राजनीति है और धन भगवान है। आ, कितने अच्छे मौके पर मेरी एंट्री हुई, मेरा दर्शन करते ही तालियां। अरे सुखीराम जी, क्यों गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं? हजूरे वाला, ये तालियां आपके दर्शन के लिए नहीं बल्कि प्रताप सेठ के भाषण पर बज रही थी। उनकी इज्जत मेरी इज्जत, ये नहीं आपकी जर्मनी जाने के लिए 2 टिकटें, एक आपकी एक भाभी जी की। ओके दोस्तों, अब तक 4 दफा जर्मनी जा चुके हैं, न्यूजीलैंड, अमेरिका, पेरिस, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसको नहीं मिल चुके हैं? अब तक 2,711 डॉक्टरों को मिल चुके हैं। तो क्या हुआ, हो सकता है ये डॉक्टर भी यही कहेगा कि हम दोनों में कोई खराबी नहीं। अरे तुमने ये क्या किया? दवाइयों पे मुझे भरोसा नहीं रहा और दुआओं पे आप भरोसा नहीं करते, इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब हम इस रिश्ते को खत्म करते हैं। शादी नाम के रिश्ते को लेकर, प्यार नाम की भावना को लेकर तुम अकेले फैसला करने वाली होती कौन हो? तुम्हें पाना मेरी खुशकिस्मती है, लेकिन इस घर को वारिस ना देना मेरी बदकिस्मती है। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि तुम मुझे तलाक दे दो। रीना, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक दिन तुम मेरे प्यार की ऐसी तोहिन करोगी। अरे भाड़ में गई औलाद और चूल्हे में गया वारिस। रीना, तुम मेरा सहारा हो। रीना, जब तक आसमान में सूरज है तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये वक्त का तकाजा है प्रताप, हालात की मांग है। मैं आग लगा दूंगा उस वक्त को, उन हालात को जो मेरे और तुम्हारे दरमियान दीवार खड़ी करने की धमकी देंगे। अगर मेरी बात तुमने नहीं मानी प्रताप, तो मुझे ऐसा लगने लगेगा जैसे मेरा मर जाना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, यह मेरा वादा रहा, जब तुम मरोगी ना मैं भी तब तक ही जिंदा रहूंगा जब तक तुम्हारे मरने की खबर मुझ तक नहीं पहुंचती। प्रताप,